The Dawn Express, Aina Sashka. मैं जगदीश तिवारी, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। विक्रमी संवत 2077, सत संवत 1942, नव संवत्सर 2020 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र से हिंदुओं का नव वर्ष शुरू हो जाता है, जिसे महाराष्ट्र और कोंकण में गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग अपने घर को फूलों से सजाते हैं और घर के आंगन में रंगोली बनाते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में इस पर्व को उगादि के नाम से जाना जाता है। गुड़ी ध्वज यानी झंडे को कहा जाता है और पड़वा प्रतिपदा तिथि को। मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, मतलब ये दिन मानव सभ्यता के अभ्युदय का दिन है, किसी अन्य नववर्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण और मान्य है। जो सभ्यता अपने इतिहास पर गर्व करती है, अपनी संस्कृति को सहेज कर रखती है और अपनी परंपराओं का श्रद्धा से पालन कर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है, वो गुजरते वक्त के साथ साथ बिखरती नहीं बल्कि और निखर जाती है। जब चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से सूर्योदय के साथ संपूर्ण भारत के घर घर में लोग अपने इष्ट देवी देवताओं का अपनी अपनी परंपरा अनुसार पूजन करके नव संवत्सर का स्वागत कर रहे होते हैं, तो विश्व इस सनातन संस्कृति की ओर कौतूहल से देख रहा होता है, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक लोग इस दिन को उगादि, नवरेह, नवरात्र, गुड़ी पड़वा जैसे त्योहारों के रूप में मना रहे होते हैं। पावन नदियों की पूजा कर रहे होते हैं। मंदिरों में मंत्रोच्चार के साथ शंखनाद और घंटनाद चल रहा होता है। तो यह पूजन अपने लिए नहीं होता, क्योंकि अपने लिए जब मनुष्य पूजा करता है तो अकेले कर लेता है, कहीं भी कर लेता है, कभी भी कर लेता है, कैसे भी कर लेता है, कभी करता है तो कभी नहीं करता। लेकिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को वो केवल जीवन जीता है। वो इस दिन को मनाता भी है, इस दिन को कृतज्ञता प्रकट करता है उस प्रकृति के प्रति जिसने उसके खेतों को फसलों से भर दिया। वो आभार व्यक्त करता है उन फसलों का जो उसकी खुशहाली का प्रतीक हैं। वो शुक्रिया अदा करता है उस सृष्टि का जिसे उसे इतना कुछ दिया, और वो नतमस्तक होता है उस परम पिता परमेश्वर के आगे जो इस सृष्टि का पालनहार है। और इसलिए यह पूजन उसके खुद के लिए न होकर संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है, प्रकृति के लिए होता है, मानव समाज के कल्याण के लिए होता है, पशुओं के लिए होता है, पक्षियों के लिए होता है, फल देने वाले पेड़ों के लिए होता है, फसलों के लिए होता है, पौधों के लिए होता है, सबकी सुख समृद्धि के लिए होता है। और चूंकि अच्छी फसल पर केवल वो किसान ही नहीं निर्भर कर होता जिसने खेतों में साल भर मेहनत की है, बल्कि हम सभी निर्भर होते हैं। इसलिए यह दिन एक त्यौहार बन जाता है जिसमें मनुष्य बीते हुए साल के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है तो आने वाले साल के लिए आशीर्वाद और मंगल कामनाएं करता है। सालों से चलने वाली यह परंपरा हर भारतीय घर की संस्कृति का हिस्सा है। शायद इसीलिए पूरी दुनिया के साथ मौज मस्ती करते हुए झूमते नाचते गाते हुए हम भारतीय भी भले ही 1 जनवरी को न्यू ईयर पार्टी में जाते हों, लेकिन नववर्ष तो अपने इष्ट देवताओं के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ ही मनाते हैं। तारीखें देखने के लिए भले ही अंग्रेजी कैलेंडर लाते हों, लेकिन तिथियों तो पंचांग में ही देखते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु, गृह प्रवेश से लेकर भूमि पूजन, मुंडन से लेकर विवाह तक शुभ मुहूर्त तो विक्रम संवत से ही निकलते हैं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा ईसाई युग के 57 साल पहले विक्रम संवत शुरू किया गया था, जिनकी वैज्ञानिकता के आगे आज भी आधुनिक विज्ञान बहुत बौना साबित होता है। दरअसल जब पश्चिमी सभ्यता में गलीलियों को उनकी खोजों के लिए सजा दी जा रही थी, तब भारत ब्रह्मांड के रहस्य दुनिया के सामने खोलते जा रहा था। जब पश्चिमी सभ्यता में 1000 से ऊपर की गणना का ज्ञान नहीं था, तब भारत को गणित की विराटतम संख्या तल्लाक्षण का भी ज्ञान था। तल्लाक्षण अर्थात 1 के आगे 53 शून्य से निर्मित संख्या। ललित विस्तार नामक ग्रंथ में
तल्लाक संघ की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि 100 करोड़ यानी एक आयुक्त, 100 आयुक्त यानी एक नियुक्त, 100 नियुक्त यानी एक कंकर, 100 कंकर यानी एक सर्वज्ञ, 100 सर्वज्ञ यानी विभूतंगमा, 100 विभूतंगमा मान एक तल्लाक्षण के बराबर होता है। शून्य की खोज चाहे नक्षत्रों की खोज, गणित का क्षेत्र हो या खगोल का, अध्यात्म का ज्ञान हो या ज्योतिष या भारतीय दर्शन शास्त्र हो या अर्थशास्त्र, इसकी वैज्ञानिकता आज भी अचंभित करने वाली है। इस बात का प्रमाण भारतीय कालगणना है, जिसे आज अकाट्य मानकर नासा को इस पर खोज हो रही है। और इसी कालगणना के आधार पर जब हिंदू नववर्ष का आगमन होता है तो इसकी वैज्ञानिकता का प्रमाण इससे अधिक क्या हो सकता है कि केवल मानव मात्र इसे एक उत्सव के रूप में नहीं मनाता, अपितु प्रकृति भी इस खगोलीय घटना के स्वागत को आतुर दिखाई देती है। महीनों से खामोश कोयल कूकने लगती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, पेड़ नए पत्तों से सज जाते हैं, बगीचे रंग बिरंगे फूलों से खिलखिला उठते हैं, पूरी धरती लाल पीली हरी चुनरी ओढ़कर इठला रही होती है और सर्द मौसम बसंत की अंगड़ाई में ले रहा होता है। क्या पौधे क्या जानवर सभी एक नई ऊर्जा एक नई शक्ति का अनुभव कर रहे होते हैं। ऐसे में शक्ति की उपासना के साथ नव संवत्सर के स्वागत से बेहतर और क्या हो सकता है। यही सनातन संस्कृति और परंपरा हमारी पहचान है। महात्मा गांधी ने भी कहा है, स्वराज का अर्थ है स्वसंस्कृति स्वधर्म स्वपरंपराओं का हृदय से निर्वाहन करना। द डॉन एक्सप्रेस परिवार की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से संपूर्ण विश्व को बहुत जल्द ही निजात मिले।